हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ मसाला चॉप्स की रेसिपी शेयर करेंगे। ये क्रीमी मसाला चॉप्स बहुत ही डिलीशियस बनती हैं, तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हाफ के जी मटन चॉप्स लेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे मैरिनेट करेंगे। एक टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और आधा कप दही ऐड करेंगे। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मिर्ची पाउडर, धनिया, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, नमक और गरम मसाला, इसे भी ऐड करेंगे। और अब इन चॉप्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से चॉप्स के ऊपर कोट हो जाएं। और अब इस मैरिनेशन को कम से कम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। और आधे घंटे बाद जब ये चॉप्स अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगी, तब हम एक प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने अनियन को फ्राई किया। और अब हम इसमें कुछ होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। और जब इन स्पाइसेस का अरोमा ऑयल में अच्छी तरह से आ जाएगा, तब हम इसमें मैरिनेटेड चॉप्स ऐड करेंगे। इन चॉप्स को एक एक करके इस ऑयल में रखते जाएंगे। इस तरह से ये सारी चॉप्स फ्राई हो जाएंगी। और अब हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेते हैं ताकि इनका कलर जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। और अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और लिड लगाकर इसे कम से कम 1 से 2 विसिल आने तक कुक करेंगे। और जब तक ये चॉप्स कुक हो रही हैं, हम एक साइड इसका वाइट पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए काजू, खसखस और नारियल को पहले से ही सोख करके रखा है। और अब इसमें फ्राइड अनियन ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक मीडियम साइज़ के अनियन को फ्राई कर लेंगे और अब इन सब का पेस्ट बनाकर अलग रख लेंगे। और अब ये चॉप्स भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे ड्राई करेंगे। इन चॉप्स को भूनने के लिए हमने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम इसमें जो हमने अनियन और काजू का पेस्ट तैयार करके रखा है वो ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके कुछ देर के लिए भून लेते हैं। और ये चॉप्स अब अच्छी तरह से भून चुकी हैं। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो गया है और जो भी ऑयल है वो सरफेस पे आ गया। और लास्ट में अब इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक करते हैं। और अब इसे हरी धनिया के साथ गार्निश करेंगे। और ये हमारी क्रीमी मसाला चॉप्स बनके रेडी है। आप इसे नान के साथ सर्व करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज हम आप लोगों के साथ मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मटन कलेजी लेंगे और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जब हम इसे वॉश कर रहे थे तो हमने 1/2 लेमन पानी में स्क्वीज़ किया था और उसे अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया। और ये अब अच्छी तरह से वॉश हो गई है, तो अब हम इसे एक तरफ पानी बॉयल करेंगे और उसमें कुछ देर के लिए बॉयल कर लेते हैं ताकि जो भी इसकी स्मेल है वो निकल जाए। 4 से 5 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी, तो हम इसको अब छान लेते हैं। इस तरह से इसे छान के अलग कर लेंगे। इस तरह से ये 1/2 कुक हो जाती है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती। और अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और अब इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। और कुछ देर के लिए इसे रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। और जब ये मैरिनेट हो जाएगी तो हम इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 1 अनियन का पेस्ट बना लिया है और साथ ही 2 टमाटर लिए, उसकी भी प्यूरी बना ली है।
अब एक तरफ 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और जैसे ही ऑयल गरम होगा हम उसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा है उसे ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए फ्राई करते हैं। अब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा, इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करेंगे। और अब इसमें बिल्कुल भी इसका कच्चापन नहीं है और साथ ही अब हम इसमें जो हमने टमाटो प्यूरी बना के रखी है उसे ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद कुछ देर के लिए इसी तरह से फ्राई करते हैं। इतनी देर फ्राई करना है जो इसका ऑयल है वो जब तक सेपरेट ना हो जाए। और अब इसमें मैरिनेटेड कलेजी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे इसी तरह से कुछ देर के लिए फ्राई करते हैं। इस तरह से ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। इसे ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमने बॉयल किया था तब भी ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। इसे इतनी देर फ्राई करना है जब तक इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए। और अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हम बिल्कुल लास्ट में ऐड कर रहे हैं, इस तरह से कलेजी के पीसेस सॉफ्ट रहते हैं। अगर हम पहले ऐड करेंगे तो इससे वो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। और साथ ही चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। ग्रीन चिली और चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही ऐड करें। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसके बाद हम इसे कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं ताकि जो भी हमने स्पाइसेस ऐड की हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप हो जाए। और अब ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो इस पॉइंट पर आप इसमें थोड़ी ग्रेवी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे इसी तरह से सर्व कर रही हूँ। और इसके साथ सर्व करेंगे कुछ अनियन रिंग्स और ग्रीन चटनी। ये बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की। अगर आपको ये कलेजी फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।